Hi everyone, this is me Paru Gupta and you are watching me live on Amul Facebook page. Amul ko main thanks karna chahungi. This is very popular brand in all over the world. और आज मुझे मौका मिला है एक बहुत ही अमेजिंग सा स्नैक्स भी लेकर आई हूँ. अपनी कलनरी स्किल्स को हम यहाँ शोकेस कर पाते हैं, ये प्लेटफॉर्म हमें मिलता है थैंक्स टू अमूल एंड हिज लवली टीम. अभिषेक को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी. और अभी रेनी सीजन चल रहा है, बड़ा बढ़िया सा मौसम हो गया है, वेदर बड़ा अमेजिंग है. सो आज मैंने सोचा कुछ स्टार्टर बनाते हैं. सबको पता है कि पनीर सबको बहुत पसंद होता है, एवरीबडी लाइक्स पनीर. सो आज हम एक पनीर का ही स्टार्टर बना रहे हैं जो बहुत ही क्विक रेसिपी है मेरी. पनीर को मेरे क्यूब्स में कट किया है, पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो इसलिए स्मॉल पीसेस में मैंने कट किया है इसको. और इसको मैं ड्राई कर लूँगी, यानी ड्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ड्राई स्पाइसेस ले लेंगे. और ये मेरे सब इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं मैं बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इसको बना रही हूँ. पनीर इज़ वेरी हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन. तो अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने राइस फ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून. मैंने राइस फ्लोर ले लिया है और इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जैसे रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट. बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है. ये देखिए, ये हमारा ड्राई स्पाइसेस और इसमें जाएगा हमारा पनीर जिनको मैंने अभी कट करके रखा है. आप कोशिश करें इसमें मॉइस्चर ना रहे, पानी हटाकर ही आप इसको ड्राई स्पाइसेस में मिक्स करें. शिल्पी सचिन गुप्ता इज सेइंग नाइस रेसिपी, थैंक यू सो मच. शांति जी सेइंग हाय, वेरी इंटरेस्टेड, आई एम फ्रॉम मॉरिशियस. थैंक यू सो मच, प्लीज जॉइन मी एवरीबॉडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु जॉइन मी एंड हु आर व्यूइंग. मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अमूल को भी जो हमें मौका देते हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज हम शेयर कर पाते हैं. इस तरह से हम पनीर को थोड़ा सा ड्राई स्पाइसेस में मिक्स कर लेंगे. आप इसमें राइस फ्लोर की जगह कोई ओट्स का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसकी अभी एक स्लरी तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने ओट्स को ग्राइंड कर लिया है. और हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए. मुझे लगता है थोड़े से स्पाइसेस इसमें और ऐड कर देते हैं जिससे हम थोड़ा ज्यादा आज बना लेते हैं स्नैक्स को अपने. और ड्राई स्पाइसेस में आने के बाद जो पनीर का मॉइस्चर है ये बहुत अच्छे से कोट हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं. अभी हम इसको साइड में रख देते हैं. हम इसकी एक स्लरी बना लेंगे और स्लरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने हंकर्ड लिया है 1 टेबल स्पून. ये मेरा 1 टेबल स्पून हंकर्ड है क्योंकि हम तंदूरी पनीर पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो तंदूरी हमें मसाले चाहिए. और इन मसालों में मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा जिंजर चॉप किया हुआ, ग्रीन चिली एक ली है मैंने, और ये ड्राई किया हुआ पुदीना है, मिंट. रेसिपी नेम क्या है? तंदूरी पनीर पॉपकॉर्न. ये मेरा ऐसा स्नैक्स है जो आप आराम से खा सकते हैं, विंटर सीजन में भी ले सकते हैं, चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं. और यहाँ तो बहुत अच्छी 3-4 दिन से बारिश हो रही है, सो हम सब लोग एंजॉय करेंगे इसको. ब्लैक पेपर जाएगा, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून एंड रेगुलर सॉल्ट यानी सेंधा नमक हम इस्तेमाल करते हैं. ये मेरे पास मिंट का पाउडर भी है, मैं मिंट पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ. मैं इसमें ऐड कर दूंगी गार्लिक पाउडर, और थोड़ा सा इसमें जाएगा मिक्स हर्ब्स.
ये मेरे पास घर का कुटा हुआ थोड़ा सा मसाला है, जिसको पेरी पेरी मसाला भी आप कह सकते हैं। इसमें इटालियन हर्ब के साथ, सीजनिंग के साथ मैंने इसको सीजन किया था। और अब हम इसका थोड़ा सा गाढ़ा सा एक थिक स्लरी बना लेंगे। और स्लरी बनाने के लिए ये देखिए मेरे पास ओट्स को मैंने ग्राइंड करके रखा है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें राइस फ्लोर ऐड किया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, रिफाइंड फ्लोर, बट टुडे आई एम नॉट यूजिंग दिस। बहुत ही थिक बैटर हमें तैयार करना है, ज्यादा हमें पतला नहीं चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लेंगे एक बार। तंदूरी मायो हम रेडी करते हैं जैसे, इसी तरह से हमने इसकी एक स्लरी रेडी कर ली है तंदूरी। आप हंकड़ ले लें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और दोनों तरह की सॉल्ट ले लें, थोड़ा सा स्पाइसेस इसमें ऐड कर दें। और ओट्स का मैंने ग्राइंड करके पाउडर लिया है। और इसको मिक्स कर लेंगे। आप सब लोग कैसे हैं और आजकल क्या क्या बना रहे हैं? कल से देवी के नवरात्रि शुरू हैं, आज पितृ पक्ष का की समाप्ति हुई है। और नवरात्रि में हम लोग अनियन गार्लिक नहीं लेते हैं, कल से हमारे घर में अनियन नहीं आएगी। आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं इसको, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, प्लीज जरूर शेयर करें मेरे साथ। हमने अपने पनीर को अभी थोड़ा ड्राई स्पाइसेस के साथ रखा था 5 मिनट के लिए, अभी हम इस स्लरी में इसको डुबो देंगे। और कम से कम 5 मिनट के लिए हम इस मैरिनेशन में, तंदूरी जो हमने मैरिनेशन अभी बना के तैयार किया है, इसमें इसको 5 मिनट तक रखेंगे। ये क्विक बनने वाली रेसिपी है, आप चाहे तो स्टार्टर में या इवनिंग स्नैक्स में इसको ले सकते हैं, जब भी मंचिंग का मन कर रहा है। काफी क्रिस्पी बनते हैं, काफी टेस्टी बनते हैं ये, बच्चों को, बड़ों को, घर में अगर कोई गेस्ट आ गए हैं उनके लिए आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका मैरिनेशन, हमने तंदूरी मैरिनेशन इसका रेडी कर लिया। आइए अब हम एक मसाला भी रेडी कर लेते हैं। इस मसाले में हम डालने के लिए 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, इसी में मैं चुटकी भर रेड पेपर, वाइट सॉल्ट, ये पिंक सॉल्ट है मेरा, और थोड़ा सा मैं मिंट का फ्लेवर दूंगी इसमें, मिंट ले लेते हैं, थोड़ा सा मिंट का भी पाउडर है मेरे पास, ये ब्लैक पेपर है, और ये मेरा घर का बना हुआ पेरी पेरी मसाला। इसको अब हम मिक्स करके एक मसाला रेडी कर लेते हैं, जो हमारे सीजनिंग के काम आएगी। जब हमारे पॉपकॉर्न्स रेडी हो जाएंगे, जब हमारा स्नैक्स रेडी हो जाएगा, उस समय हमें ये बहुत काम आएगा, और ये बहुत ही उसके टेस्ट को एनहेंस कर देता है। इस मसाले को अभी हम रख देंगे साइड में। मैरिनेशन को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। आप चाहें तो इसको पहले भी मैरिनेशन में रख सकते हैं, बट इसको सॉफ्ट हैंड से ही करें, ज्यादा इसको हाथों को हम बहुत हार्ड ना चलाएं। ये मैंने ब्राउन ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं, ये देखिए।
ये फ्रेश बनाए मैंने ब्रेड क्रम्स। आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस पनीर बहुत ही डेलिकेट होता है तो इसीलिए इसको थोड़ा आराम से करेंगे। नाइस, सुपर्ब, वाओ, थैंक यू सो मच। और थोड़ी देर हम ब्रेड क्रम्स में इनको डूबे रहने देंगे जिससे कोटिंग हो जाएगी हमारी अच्छी से। फिर हम इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ये स्टार्टर बहुत जल्दी बनने वाला है और इसको आप बहुत पसंद करेंगे। जरूर एक बार बनाकर देखें और मुझे जरूर बताएं कि ये कैसा बना है। जैसे गरम गरम पॉपकॉर्न बटर वाले अच्छे लगते हैं। और मैंने अमूल का ही इसमें कर्ड इस्तेमाल किया, अमूल का ही मैंने पनीर इस्तेमाल किया है। अमूल के पनीर का टेस्ट लाजवाब है। अमूल के सारे ही प्रोडक्ट्स हमें बहुत पसंद आते हैं। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा अमूल के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करते हैं। और अब तो अमूल का मैश पोटैटोज आ गया है, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगा सबको। मैंने मैश पोटैटोज से चीज़ बॉल्स बनाए, आलू के पराठे बनाए जो कि बहुत पसंद आए। आइए इनको फ्राई करने के लिए अपनी हमने कढ़ाई रख दी है। ऑयल को गर्म करके रख दिया है। जब भी आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अच्छे से कोटिंग हो गई है। जब आप 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ब्रेड क्रम्स में तो वो पूरी तरह से कोट हो जाएगा। अमूल खोया इज आल्सो वेरी बेस्ट। यस ऑफ कोर्स, मैंने भी इस्तेमाल किया है। और अमूल के तो सारे प्रोडक्ट हम बहुत पसंद करते हैं। हमारी डेली लाइफ में अमूल के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें और हम लोग अमूल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। हल्का सा इसको अलग करके ही इस तरह से डिप करें। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे जरूर पूछिएगा। इसके साथ मैंने एक चीज़ी डिप बनाई है अमूल के चीज़ से, चीज़ स्प्रेड से लेकर, और अमूल की मैंने क्रीम ली है। उसके साथ मैंने एक चीज़ी डिप बनाई है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। वैसे इसमें मैंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट और पिसी हुई शुगर डाली है और साथ में अमूल की क्रीम ली है और अमूल की चीज़ स्प्रेड। अमूल के चीज स्प्रेड के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। आज मैंने जो इस्तेमाल किया है वो ये है पंच पेपर। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने अभी मीडियम पे ही रखा हुआ है, ज़्यादा हाई पे नहीं रखेंगे। थोड़ी सी क्रिस्पी करने के लिए आप उसको एक बार लास्ट में हाई कर दें फ्लेम को, लेकिन पहले आप मीडियम पर ही रखें। मैं बाकी के पनीर भी अपने ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देती हूँ।
इसमें मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और तंदूरी है तो इसमें तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हमने हंग कर्ड का इस्तेमाल किया है और कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं। बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है और ये कितने क्रंची बने हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, बाकी बचे हुए हम बाद में बनाएंगे, अभी लाइव में हम इतने ही सेकेंगे। बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए इनका क्रंच आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रंची बने हैं और अंदर से एकदम माउथ मेल्टिंग, एकदम सॉफ्ट है। आप अपने यूटेंसिल्स का जरूर ध्यान रखें, कभी भी सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल ना करें। मैं भी हमेशा स्टील के या लोहे के बर्तन इस्तेमाल करती हूँ या फिर कांच लेते हैं हम लोग ग्लास। थोड़ा सा इसमें मसाला ऐड कर देते हैं, जो हमने मसाला बना के रखा था, अभी स्पाइस हमने बहुत बढ़िया सा रेडी करा था, चाट मसाला, पेरी पेरी मसाला, ब्लैक सॉल्ट, भुना जीरा, मिंट पाउडर, गार्लिक पाउडर, बहुत ही क्रंची बने हैं, एकदम क्रिस्पी। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, इसके क्रंच की आवाज सुन सकते हैं, कितने क्रिस्पी हैं। झटपट से रेडी होने वाले हमारे जो ये स्टार्टर हैं, एकदम तैयार हो चुके हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए, एकदम अमेजिंग सी रेसिपी तैयार है, स्नैक्स तैयार है हमारे, पनीर पॉपकॉर्न, अब वो भी तंदूरी फ्लेवर में है। नीन अग्रवाल लुक्स डिलीशियस, मानव पाल वेरी नाइस। मैं इसको दिखा देती हूँ कितना क्रंची बना है ये देखिए, और अंदर से भी बड़ा ही जूसी है। माउथ वाटरिंग सोनिया कुमार जी, सुपर टेस्ट। बाकी के बचे हम
जल्दी बनाएंगे, तब तक आप इंजॉय कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के यदि कोई भी क्वेश्चन है यू कैन फील फ्री टू आस्क मी, और कोई भी कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं मुझसे। किसी का क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं माउथ वाटरिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक्स अमूल हु इनवाइटेड मी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरे सभी फ्रेंड्स मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते हैं। अभी चाय गर्मा गर्म रेडी है, हम इंजॉय करते हैं तंदूरी पनीर पॉपकॉर्न। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।